हाय फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लब फ्रेंडली मैच के बारे में जो खेला जाएगा आरबी लाइपज़िग और लिवरपूल के बीच में होने वाले इस मैच के बारे में। तो इस वीडियो में इन दोनों टीमों के हर एक प्लेयर्स के बारे में फुल डिटेल्स में हम बात करेंगे। बस आप वीडियो कंप्लीट देखना और ध्यान से देखना, ओके। तो अब हम नजर डालते हैं सीधे इन दोनों टीमों की पॉइंट टेबल पर। तो गाइस, आरबी लाइपज़िग जर्मनी की टीम है और जर्मनी में ये बुंदेसलीगा खेलती है, वहाँ पर इसकी जो पोजीशन थी बुंदेसलीगा में वो फोर्थ थी। वहीं पर बात करें लिवरपूल, ये इंग्लैंड की टीम है और इंग्लैंड में ये प्रीमियर लीग खेलती है और प्रीमियर लीग में प्रीवियस सीजन जो इस टीम की जो पोजीशन थी वो सेकंड थी। तो दोनों टीमें अपनी अपनी लीग की टॉप बेस्ट टीमें हैं। तो गाइस, अब बात आती है कि इन दोनों टीमों में से हम किस टीम को अपनी ड्रीम इलेवन टीम के लिए एक फेवरेट टीम मान चलें। तो गाइस, मैं फिलहाल के लिए लिवरपूल को एक फेवरेट टीम मानकर चलता हूँ। क्यों? क्योंकि जब भी लिवरपूल इस टीम के सामने मैच खेलती है, मैच को विन ही करती है, तो इसीलिए मैं लिवरपूल की फेवरेट टीम मानकर चलता हूँ। अब बात करें जो पिछला मैच इन दोनों टीमों के बीच में खेला गया, उस मैच को लिवरपूल इसी टीम के सामने 2-0 से मैच को विन कर गई। अटैकिंग वाइज दो गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस इस टीम के सामने एक भी गोल कंसीड नहीं किया और मैच को विन कर गई। और उसे मुकाबले फिर इन दोनों टीमों के बीच मैच खेला गया और उस मैच को भी लिवरपूल ही 2-0 से विन कर गया। अटैकिंग वाइज फिर से इस टीम के सामने दो गोल स्कोर किए, लेकिन अब की बार भी एक भी गोल कंसीड नहीं किया। तो इसीलिए मैं लिवरपूल की फेवरेट टीम मानकर चलता हूँ, क्योंकि हेड टू हेड में भी इसका जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है, अटैक से लेकर डिफेंस तक। लेकिन हम बात करेंगे इन दोनों टीमों जो करंट फॉर्म है उसका अकॉर्डिंग, जो फिलहाल के टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, आरबी लाइपज़िग करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से इस टीम ने 3 मैच विन करे हैं और एक मैच ड्रॉ भी खेला और 2 मैच लॉस किए हैं। अटैकिंग वाइज 1.8 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस 1.5 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। कहने का मतलब ये टीम प्रत्येक मैच में कम से कम तो एक और कभी कभी तो अपने से हल्की टीम के सामने पर मैच में 2 या 3 उससे ज्यादा भी गोल स्कोर कर देती है। लेकिन डिफेंस भी टीम कहने के पर मैच में एक और कभी कभी तो अपने से बेहतर टीम के सामने टीम पर मैच में 2 या 3 गोल तक भी कंसीड कर देती है। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो 50-50 देखने को मिलता है, अटैक से लेकर डिफेंस तक और मैच को विन करने से लेकर मैच को ड्रॉ और लॉस करने तक। अब गाइस, बात करें जो पिछला मैच आरबी लाइपज़िग साउथहैम्पटन के सामने 3-1 से मैच को विन कर गई, अटैकिंग वाइज टीम ने 3 गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस से 1 गोल कंसीड किया। और उससे मुकाबले ये टीम फ्राइबर्ग के सामने 1-1 से मैच को ड्रॉ खेली, बाद में मैच पेनल्टी तक गया, ये टीम 4-2 से मैच को पेनल्टी में विन कर गई। और उससे मुकाबले आर्मीनिया के सामने टीम अटैकिंग वाइज मैच को ड्रॉ खेली और उससे मुकाबले ऑक्सबर्ग के सामने 4-0 से विन की। और 2 मैच इस टीम ने रेंजर्स और बोरुसिया के सामने 3-1 से मैच को लॉस भी किया। तो परफॉर्मेंस अगर उस मैच में उन 2 मैचों में देखा जाए तो इस टीम का अटैक तो अच्छा था, लेकिन डिफेंस से कहने की इस टीम ने गोल कंसीड किया हुआ है। तो रिसेंटली परफॉर्मेंस देखा जाए तो लाइपज़िग का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है, अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो गाइस, अब बात आती है लिवरपूल का जो करंट फॉर्म उसका अकॉर्डिंग, जो फिलहाल टाइम जो परफॉर्मेंस है, हम एक बार उस पर भी नजर डालते हैं। तो गाइस, लिवरपूल करंटली 6 मैच खेल चुके हैं, जिनमें से इस टीम ने 4 मैच विन करे हैं और 2 मैच लॉस किए। अटैकिंग वाइज 1.2 गोल पर मैच स्कोर किया, लेकिन डिफेंस भी 1.2 गोल पर मैच स्कोर कंसीड किया। तो परफॉर्मेंस अगर इस टीम का रिसेंटली देखा जाए तो अटैक तो अच्छा है ही, लेकिन डिफेंस कहने के फिलहाल टाइम पर गोल कंसीड कर देता, वो भी अपने से बेहतर टीम के सामने, मतलब जल्दी से हल्की टीम के सामने गोल तक कंसीड नहीं करता, अधिकतर मैच को विन ही करती है। अब बात करें जो पिछला मैच लिवरपूल क्रिस्टल पैलेस के सामने 2-0 से मैच को विन कर करी, अटैकिंग वाइज 2 गोल स्कोर किए, लेकिन डिफेंस गोल तक कंसीड नहीं किया। और उससे पिछले 2 मैच इस टीम ने लॉस किए, एक मैनचेस्टर यूनाइटेड के सामने, एक रियल मैड्रिड के सामने। दोनों मैच में इस टीम ने एक भी गोल स्कोर नहीं किया और डिफेंस गोल कंसीड किया। और उससे पिछले 3 मैच इस टीम ने खेले, तीनों मैच इस टीम ने विन किए, प्रत्येक मैच में इस टीम ने गोल स्कोर किया, लेकिन डिफेंस भी कहने का इस टीम ने गोल कंसीड भी किया हुआ है। अब बात आती है फाइनली, अब इस मैच का स्कोर लाइन प्रेडिक्शन क्या होनी चाहिए। तो गाइस, सबसे पहले हमने इन दोनों टीमों की लीग वाइज भी टेबल पर नजर डाली, फिर इन दोनों टीमों का हेड टू हेड मैचेस पर नजर डाली, फिर हमने इन दोनों टीमों के रीसेंट फॉर्म पर भी नजर डाली। अगर हम इन तीनों फॉर्मेट को एक साथ कंपेयर कर ले कौन सी टीम का बेहतर परफॉर्मेंस रहा इन तीनों फॉर्मेट में, तो गाइस लीग वाइज अगर देखा जाए दोनों टीमों की जो पोजीशन है, लाइपज़िग की थोड़ी सी डाउन पोजीशन है और लिवरपूल जो टीम है वो काफी शानदार भी है, टॉप ऑफ द वर्ल्ड टीम कहलाई जाती है लिवरपूल। और लाइपज़िग का इतना खास नाम आपको देखने को मिलेगा नहीं, लेकिन अच्छी टीम है ये भी जर्मनी की। वहीं पर बात करें हेड टू हेड मैचेस में लाइपज़िग ने इस टीम के सामने अभी तक एक भी मैच विन नहीं किया, बल्कि दोनों को दोनों मैच लिवरपूल ने विन किए और दोनों मैच रिसेंटली हुए हैं, मतलब प्रीवियस ईयर में ही हुए थे, तो इनमें ज्यादा कुछ डिफरेंस भी नहीं है। लेकिन रीसेंट फॉर्म का अकॉर्डिंग देखा जाए लाइपज़िग का जो परफॉर्मेंस है वो काफी शानदार है, अटैक भी और डिफेंस भी। और लिवरपूल का भी परफॉर्मेंस कहने का आप मान सकते हो अच्छा ही देखने को मिलता है, अटैक से लेकर डिफेंस तक। तो कहीं ना कहीं आपको तीनों फॉर्मेट में लिवरपूल एक फेवरेट टीम देखने को मिलेगी, तो इसलिए मैं लिवरपूल की फेवरेट टीम मानकर चलता हूं। तो फाइनल गाइस, अब बात आती है अब इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन क्या होना चाहिए। तो गाइस, मुझे लगता है कि आज इस मैच में लाइपज़िग एक गोल स्कोर कर सकती है, क्योंकि ये क्लब फ्रेंडली मैच है और ये किसी कप या किसी लीग का मैच है नहीं, तो इतना स्लाइटली कोई इस मैच को लेगी नहीं। और इस मैच में अधिकतर वो प्लेयर्स खेलेंगे जो एज ए सब्सिट्यूट खेलते हैं, लेकिन आज वो एज ए स्टार्टिंग लाइनअप में आ सकते हैं और 45 मिनट बाद वो सब्सिट्यूट जो इंपॉर्टेंट प्लेयर है वो सब्सिट्यूट हो जाएंगे, फिर कहीं ना कहीं गोल निकाल सकते हैं लाइपज़िग, मेरा कहने का मतलब ये, ओके। तो मुझे लगता है कि लाइपज़िग इस मैच में एक गोल स्कोर करेगी और 2 गोल कहीं ना कहीं आपको यहाँ से लिवरपूल की ओर से भी देखने को मिल सकता है। तो इसलिए मैं अपना इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन रखता हूँ 1-2, और 1-2 के प्रेडिक्शन के अनुसार हम अपनी ड्रीम इलेवन टीम क्रिएट करेंगे ड्रीम इलेवन पर। उससे पहले हम बात भी करेंगे इन दोनों टीमों के प्लेयर्स के बारे में, कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट निकाले हैं। तो हम सबसे पहले जो नजर डालेंगे वो लाइपज़िग के प्लेयर्स पर नजर डालेंगे, फिर हम नजर डालेंगे लिवरपूल के प्लेयर्स पर कि कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए। तो सबसे पहले नजर डालते हैं लाइपज़िग के प्लेयर्स के बारे में। उससे पहले दोस्त, अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज चैनल को सपोर्ट जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए एक बेहतर वीडियो बनाने की हमेशा कोशिश रहती है और बहुत
टाइम लगता है एक वीडियो बनाने में, अगर आप सब्सक्राइब करोगे ना तो इतना टाइम नहीं लगेगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगी, पसंद आई तो एक लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। और हाँ दोस्त, इस मैच जो फाइनल टीम रहेगी वो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने इस वीडियो को टॉप कमेंट और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन डाल दिया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। लेकिन याद रहे, इस मैच में स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग ज्यादा इन्वेस्ट मत करना, क्योंकि ये फ्रेंडली मैच है और फ्रेंडली मैच में कोई भी प्लेयर 90 मिनट नहीं खेलता। ये आपको हिज्जा कर लेनी बात, मतलब रट लेनी है, ओके। और किसी भी प्लेयर का चांस नहीं होता कि क्लीन शीट का पॉइंट, अगर बाय चांस मान लो कि 1-0 या 2-0 से लिवरपूल विन भी कर जाती है तो कोई जरूरी नहीं कि लिवरपूल के जो डिफेंडर हैं वो 90 मिनट खेलें। अगर 90 मिनट नहीं खेलेंगे तो उनको डिफेंस पॉइंट नहीं मिलेगा, मतलब खेलना चाहिए कम से कम 57 मिनट तो प्लेयर को खेलना ही चाहिए फील्ड तक, अगर जब तक दूसरी टीम गोल ना करे तब उसको वो क्लीन शीट के पॉइंट मिलते हैं। अगर ये लिवरपूल के प्लेयर, जैसे कि हमने फ्रेंडली मैचेस में देखा है, कोई भी मैच उठा लो आप, वहाँ पर 45 मिनट बाद प्लेयर सब्स्टिट्यूट हो जाता है, तो इतना ज़्यादा डिफेंडर आपको लेने की इस मैच में जरूरत है नहीं। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि आप इस मैच में इन्वेस्ट मतलब थोड़ा लेस करना, ओके, थोड़ा नहीं बहुत कम लेस करना, क्योंकि हमने जब भी कवर किया है फ्रेंडली मैच उनमें यही देखा गया है। तो इसलिए आप लेस इन्वेस्ट करना। अब बात करते हैं प्लेयर वाइज के कौन से प्लेयर ने कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम सब उस पर नजर डालते हैं लेप्ज़िग के प्लेयर्स के बारे में। तो भाई जर्मनी बुंदेसलीगा में प्रीवियस सीजन इसी टीम की तरफ जो हाईएस्ट गोल टेकर था क्रिस्टोफर कुंकू, इस टीम की तरफ से इसने 20 गोल निकाले। अब क्या इस मैच में आज गोल कर पाएगा, क्या 90 मिनट खेल पाएगा, वो लाइनअप आने के बाद पता चलेगा, ओके। एंडर सिल्वा जो कि इस टीम की तरफ से 11 गोल निकाले जिनमें से 3 गोल इसने पेनल्टी में किए, तो इसलिए एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा। एमिल फॉर्सबर्ग एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, एमिल फॉर्सबर्ग इस टीम की तरफ से फर्स्ट चॉइस पेनल्टी टेकर भी है और थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर भी है। डोमिनिक है जो कि काफी अच्छा प्लेयर, लेकिन खेलने का चांस मुझे थोड़े से कम लग रहे हैं, ओके। यहां से पोलसेन का भी सेम ही परफॉर्मेंस रहा है, इसका भी चांस थोड़ा से कम है। और यहां से लाइमर जो प्लेयर है बिना गोल के डिफेंसिव पॉइंट देता, कम से कम बिना गोल के 20 प्लस पॉइंट तो दे ही जाएगा, लेकिन 90 मिनट खेलेगा तब, ओके। यहां से हैदारा है 3 गोल कर चुका, बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सभी का आप रिकॉर्ड है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां जो टॉप प्लेयर है उनको मेरा राइट का टिक करा है और उन्हें आप टीम में ट्राई करके चल लेना, ओके। तो अब बात आती है इस टीम तरह से कौन से प्लेयर उन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हम नजर डालते हैं असिस्ट वाले प्लेयर्स पर भी। तो गाइस असिस्ट में अगर देखा जाए तो कुंकू गोल और असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, तो आप इनको ड्रॉप किसी भी कंडीशन में मत करना, चाहे लिवरपूल क्लीन सीट ही क्यों ना रखे, लेकिन इसको प्लेयर को जरूर ट्राई करना, ओके। डोमिनिक गोल प्लस असिस्ट दोनों में कंट्रीब्यूट है, एंजेलिनो गोल में भी और असिस्ट में भी कंट्रीब्यूट रहता है, एक अटैकिंग पोजीशन पर खेलता प्लेयर तो इनको ट्राई करना बनता है। लाइमर एज ए डिफेंसिव पॉइंट खेलता है और कभी कभी तो अटैकिंग पोजीशन पर अच्छा खासा मतलब चांस बना लेता है। बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सभी का आप रिकॉर्ड है, आप इनका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ओके। तो अब बात आती है जो सेकंड टीम है लिवरपूल, उसके जो प्लेयर्स हैं उनके बारे में, कौन से प्लेयर कितना गोल और कितना असिस्ट किए, तो हम नजर डालते हैं लिवरपूल के प्लेयर्स के बारे में। तो गाइस लिवरपूल की तरफ से प्रीवियस सीजन हाईएस्ट गोल टेकर मोहम्मद सलाह और इस टीम के सामने हेड टू हेड मैचेस में इसने पर मैच में गोल स्कोर किया है, तो इसलिए मेरी टीम का कैप्टन तो ये रहने ही वाला है, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, ओके। सादी मानो ये अब नहीं खेलेगा, ये जा चुका है दूसरी टीम के लिए और लिवरपूल ने इसको रिलीज कर दिया, ओके। डियागो जोटा एक अच्छा खासा प्लेयर है, रॉबर्ट फिर्मिनो अगर खेलेगा तो ट्राई करेंगे, फेबिनो बिना गोल का डिफेंसिव पॉइंट देता है, लॉन्ग शॉट काफी अच्छा इसका, लुइस डियाज 4 गोल निकाल चुका है, जो मैटिप है अगर ये खेलेगा तो आपने ट्राई करना, विर्जिल वान डिक जो कि 3 गोल निकाल चुका है, एंड्री रॉबर्टसन मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, किसी भी कंडीशन में ड्रॉप नहीं करना, और बाकी जितने भी प्लेयर्स हैं सभी का आप रिकॉर्ड है, इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहां से जो टॉप प्लेयर है ट्रेंट अलेक्जेंडर, एंड्री रॉबर्टसन और यहां से मोहम्मद सलाह, डियागो जोटे और यहां से बाकी किसी का खेलने का चांस लाइनअप आने के बाद ही डिपेंड करेंगे, ओके। तो इन 4 प्लेयर को तो अपन टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है इस टीम तरह से कौन से प्लेयर जिन्होंने असिस्ट प्रोवाइड किए, तो हमने जो डालता है असिस्ट वाले प्लेयर्स को भी। तो असिस्ट में अगर देखा जाए मोहम्मद सलाह ऑब्वियसली इंपॉर्टेंट प्लेयर है और कैप्टन की चॉइस बेहतरीन है, मतलब ट्रेंट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, लेकिन 90 मिनट नहीं खेलेगा यार, इसलिए मैं इनको टीम का कैप्टन वाइस कैप्टन नहीं बनाता। अगर आप बोलेंगे कि 90 मिनट खेलेगा तो इसको टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन दे सकते हो। एंड्री रॉबर्ट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है और यहां से जॉर्डन हेंडरसन ये ऐसा प्लेयर है, देखो कभी कभी गोल निकालता है कभी कभी गोल नहीं निकाल पाता, और ये एज ए थोड़ी सी अटैकिंग पोजीशन खेलता है, इतना ज्यादा डिफेंस से भी नहीं खेलता ना ही अटैक्स खेलता, ओके। डियागो जोटा एक इंपॉर्टेंट प्लेयर रहेगा, रॉबर्ट फिर्मिनो है, बाकी थियागो अल्कांटारा बिना गोल के कम से कम 30 पॉइंट तो आराम से दे जाएगा, लेकिन 90 मिनट खेले तब, ओके। बाकी जितने प्लेयर्स हैं सभी का आप रिकॉर्ड है, आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर है उनका मैंने आपको राइट का टिक कर दिया, टीम में ट्राई करके चल लेना। अब बात आती है इस मैच का स्कोरलाइन प्रेडिक्शन, मैंने अभी के लिए इस मैच में रखा है 1-2 और 1-2 प्रेडिक्शन के अनुसार क्या रहना चाहिए इस मैच में जो हमारी शमोली टीम है ड्रीम 11 पर, तो सीधे नजर डालते हैं अकॉर्डिंग टू प्रेडिक्शन ड्रीम 11 टीम पर। और हाँ दोस्त, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अगर सब्सक्राइब करोगे तभी तो आपके पास नेक्स्ट टाइम हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ओके। तो चलिए नजर डालते हैं इस मैच की टीम पर। तो गाइस सबसे पहले बात करें गोलकीपर सेक्शन से, लेप्ज़िग इस मैच में एक थोड़ी सी हल्की टीम है, तो इसलिए मैं लेप्ज़िग का 7 नहीं 4 प्लेयर पिक करूंगा, और लिवरपूल इस मैच में फेवरेट टीम है, तो यहां से 4-7 के कॉम्बिनेशन के अनुसार हम इस मैच में अपनी ड्रीम 11 टीम बनाएंगे। अब गोलकीपर सेक्शन की बात की जाए तो देखो लिवरपूल एक अटैकिंग वाइज अच्छी टीम है और लेप्ज़िग भी एक कहने के अच्छी टीम है, तो दोनों टीमों के जो गोलकीपर इस मैच में बराबर का टेस्ट हो सकते हैं। तो देखो बेकर नहीं खेलेगा इस मैच में, एड्रियन खेलेगा, तो इसलिए मैं एड्रियन और गुलाक्षी इन दो में से एक को ट्राई करना चाहता हूं। मैं यहां से गुलाक्षी को ही हम टीम में ट्राई करूंगा, क्योंकि मुझे लगता है लिवरपूल का डिफेंस अटैक
और मिडफील्ड तीनों बेहतर है और कहीं ना कहीं चांस बना लेंगे सौ टारगेट रखने के लिए, तो इसलिए मैं गुलाक्षी को हम टीम में एज ए गोलकीपर पिक कर चला हूँ। बात करें यहाँ से डिफेंडर, तो मेरी फर्स्ट चॉइस जो रहेगी ट्रेट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड और यहाँ से एंड्रिन रॉबर्टसन। तो इन तीन प्लेयर मतलब दो प्लेयर को बिल्कुल भी ड्रॉप नहीं करना और यहाँ से एंजेलिनो, मैं इन्हीं तीन प्लेयर के साथ जाना पसंद करूंगा। बाकी जितने प्लेयर्स रहेंगे भी ना मैं ज्यादा सजेस्ट भी नहीं करूंगा, क्योंकि ये क्लब फ्रेंडली मैच है और क्लब फ्रेंडली मैच में कोई भी प्लेयर 90 मिनट खेलने का चांस नहीं रखता, तो इसीलिए हम पांच डिफेंडर चार डिफेंडर या ज्यादा डिफेंडर लेने की जरूरत नहीं है, इसलिए इन सभी को मैं ड्रॉप कर चला हूं। अगर आप एक दो टीम में अगर किसी एक प्लेयर को ट्राई करना है वो यहाँ से मैटिप को ट्राई कर सकते हो, मैटिप हेडर में स्ट्रॉन्ग ओके। बाकी यहाँ से बात करें मिडफील्ड में, तो यहाँ जो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी एमिल फॉर्सबर्ग ओके, और यहाँ से लुइस डियाज डियागो जोटा, मतलब ये तीनों प्लेयर एज ए अटैकिंग पोजिशन खेलेंगे ओके। यहाँ से इलियट एक न्यू साइन इस टीम के पास और यहाँ से जेम्स मिलर मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करूंगा। थियागो अल्कांटारा अगर 90 मिनट खेलेगा तो कम से कम इतना पॉइंट दे जाएगा जितना प्रीवियस मैच में दिया है ओके। बाकी यहाँ जितने और भी प्लेयर्स हैं इनको मैं किसी भी कंडीशन में मतलब ट्राई करने के लिए नहीं बोलूंगा। फैबिनो तब पेनल्टी लेगा, तब यहाँ से मोहम्मद सलाह खेलेगा नहीं, तो उस कंडीशन में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर साबित हो सकता है ओके। बाकी नए विकेटा वगैरह हैं इन सबको हम ड्रॉप करेंगे, लेकिन एक प्लेयर और है डोमिनिक इस टीम की तरफ से, सेकंड हाईएस्ट या नहीं थर्ड हाईएस्ट गोल टेकर है और फर्स्ट हाईएस्ट असिस्ट टेकर है, तो इसलिए ना इनको मैं ड्रॉप नहीं कर सकता ओके। बाकी का आपके सामने रिकॉर्ड भी है और इनका जितना भी सिलेक्शन हाई है मैं इनको अभी के लिए ड्रॉप करके चला हूं। बात करें सेंटर फॉरवर्ड, तो मेरी फर्स्ट चॉइस रहेगी मोहम्मद सलाह, कुंकू और यहाँ से एंड्रू सिल्वा। देखो यहाँ से दो प्लेयर को ड्रॉप करना मुश्किल है, अब मुझे पता क्रेडिट की प्रॉब्लम है इस मैच में, लेकिन लाइनअप आने के बाद वो क्रेडिट की प्रॉब्लम सब खत्म हो जाएगी, लेकिन अभी के लिए हम किसको ड्रॉप करें यार, थोड़ा असमंजस में आ गया हूँ। अभी इंपॉर्टेंट प्लेयर को ड्रॉप कर नहीं सकता, लेकिन अभी के लिए हम ऐसे ही प्लेयर पिक कर दें जो 7.5 क्रेडिट में हमें मिल जाए, वो नहीं मिलेगा। हमें गोलकीपर में से करना है डिडेक और हुजेस को अभी के लिए ट्राई करना है और फिर हम यहाँ से पिक कर सकते हैं। एक न्यू साइनिंग है लिवरपूल के सामने और ये इस मैच में स्टार्ट कर सकता है और इसका जो कंट्रीब्यूट रहा है इंग्लिश प्रीमियर लीग में खेला और फुलहम के लिए खेला, वहाँ पर इसका जो परफॉर्मेंस था वो अच्छा था, तो इसलिए मैं अभी के लिए फैबियन को टीम में एज ए प्लेयर पिक करके चला हूँ। बात करें कैप्टनसी की, तो कैप्टनसी मेरी ऑब्वियसली रहेगी यहाँ से मोहम्मद सलाह के साथ ओके। वाइस कैप्टनसी अगर बात की जाए तो आपके सामने काफ़ी अच्छी चॉइस है, मतलब डियागो जोटा है, एमिल फॉर्सबर्ग है, डोमिनिक है, लुइस डियाज है, लेकिन मैं यहाँ से जाना पसंद करूँगा क्रिस्टोफर कुंकू को ओके। मैं अपनी टीम में एज ए वाइस कैप्टन कुंकू को बनाकर चलाऊँ, तो ये मेरी टीम का प्रीव्यू है, लेकिन याद रहे ये सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड के बेस के अनुसार बनाई गई एक बेहतरीन सी टीम है, लेकिन जो फाइनल टीम रहेगी लाइनअप आने के बाद उसको हम गोलकीपर को भी चेंज करेंगे और क्रेडिट का जो प्रॉब्लम है वो भी सोल्व करेंगे, वो भी लाइनअप आने के बाद कि लाइनअप आने के बाद पता चल जाएगा कि कौन सा प्लेयर की पोजीशन अटैक से है, कौन सा डिफेंस से है और कौन सा प्लेयर 90 मिनट खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसका अकॉर्डिंग लाइनअप आने के बाद हम टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए अपडेट कर देंगे इस मैच की फाइनल टीम ओके। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, इतने के लिए खुद का ख्याल रखना, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहनत आपके लिए करता हूं यार, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना और हमें सपोर्ट करना ओके। और हाँ दोस्त, कैप्टन की और वाइस कैप्टन की जो अदर चॉइस आपके सामने देखने को मिलेंगी, तो ये तीन ऑप्शन काफ़ी अच्छे हैं, मतलब फर्स्ट चॉइस डियागो जोटा, सेकंड चॉइस एमिल फॉर्सबर्ग, थर्ड चॉइस यहाँ से डोमिनिक और फोर्थ चॉइस आपके होनी चाहिए यहाँ से लुइस, एक अच्छी खास है। लेकिन ट्रेट अलेक्जेंडर अर्नोल्ड एक अच्छा प्लेयर तो है, लेकिन यार वही बात आती है कि 90 मिनट खेलेगा भी या नहीं खेलेगा, लेकिन अगर वैसा मैच होता ना लीग का या यूएफए कप का कुछ भी मैच होता, लेकिन तब मैं बोल देता कि आप इन्हें वाइस कैप्टन बना सकते हो, लेकिन अब बिल्कुल नहीं ओके। तो मैं टीम में कैप्टन वाइस कैप्टन इन दो को देकर चलाऊँ, तो फाइनल टीम आपको इस मैच से रिलेटेड आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगी, टेलीग्राम चैनल का लिंक याद रहे टॉप के कमेंट में और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ज्वाइन कर लेना, सर्च करके बिल्कुल भी ज्वाइन मत करना ओके। टेक केयर एंड बाय।